व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे। सो वेलकम बैक टू हैप्पी हेल्थ फिटनेस चैनल, आप सभी का वापस से वंस अगेन फिर से स्वागत है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट्स के बारे में। जी हाँ, स्क्वाट्स यानी कि लोअर बॉडी को आज हम कैसे ट्रेन करेंगे विदाउट बारबेल, फ्री बॉडी वेट के साथ। तो यही सब की आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइज, स्क्वाट्स करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। आपका टेस्टोस्टेरोन स्लो है, पुअर है, तो आपका अपर बॉडी बिल्ड नहीं होगा। ये आप बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। सो ये मेंस लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीमेन में स्क्वाट्स क्या फ़ायदा करेगा? वीमेन में आपका जो लोअर बॉडी में फैट्स है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लोअर बॉडी को टोनिंग करने में ये बहुत हेल्प करता है। ओके, तो ये सब स्क्वाट्स करने के फ़ायदे हैं। और स्क्वाट्स जो है आपका फाउंडेशन है, आपका लोअर बॉडी वीक है तो आपका अपर बॉडी बिल्ड नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्वाट्स थ्राइस या ट्वाइस अ वीक ज़रूर करें। सो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिक स्क्वाट्स कैसे करने हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हे गाइस, हम आपको बताने वाले हैं कि स्क्वाट्स कैसे करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम इस पोजिशन में खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा लेग्स जो डिस्टेंस है वो हमारे शोल्डर लेवल तक होना चाहिए, और जो हमारे लेग्स हैं वो हल्के से हम बाहर की तरफ क्रॉस भी रख सकते हैं ताकि हमारी बॉडी है जो इम्बेलेंस ना हो। उसके बाद हमारी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ रहेगी, और जो आपके हाथ हैं वो शोल्डर लेवल पे सामने रखेंगे, तो और जो हमारी गर्दन है हल्की सी अप रहेगी, और उसके बाद हम उस पर बैठेंगे। तो हमारी ये पोजिशन है, और इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि जो जब हम बैठते हैं तो हम कुछ रोंग करते हैं, बट जो हमारे नीज हैं वो हमारी टो से आगे नहीं आने चाहिए ताकि हमारी पोजीशन गलत ना हो। हमें ध्यान रखना है कि हमें हिप पे जाना है और हमें उस पे बैठना है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपकी बॉडी ऐसे सीधी रहेगी। तो गाइज, कुछ लोग हैं जो रोंग भी करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि रोंग क्या है और वो क्यों वो नहीं करने चाहिए, तो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हे गाइज, जो हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम रोंग पोजीशन में स्क्वाट्स करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे इम्बेलेंस होती है वो हम आपको दिखाएंगे, कि जैसे अक्षित सर आपको करके दिखाएंगे। तो करिए अक्षित सर, जैसे कि अभी इन्होंने ये किया, ये पोजीशन जो है इसमें हमारी हील्स उठी हुई हैं और जो हमारे नीज है वो हमारे टोस हैं, तो ये पोजीशन है वो पूरी तरह से रोंग है। इसकी वजह से हमारे नीज में पेन हो जाता है, और जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो रोंग करते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं कि जल्दबाजी में उनका बैलेंस नहीं आता है, दूसरी चीज़ उनकी बॉडी हिलते हैं, वो कई बार गिर भी जाते हैं करते हुए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें स्लो काम करना है और अच्छे से काम करना है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो उनके लिए ये सब हम बता रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गाइज, हम आपको बिगनर्स के लिए बताने वाले हैं कि जब वो लोग स्क्वाट्स करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता, तो उनका जो बैलेंस है वो स्क्वाट्स करते करते काफ़ी हद तक वो हिलते रहते हैं और कई बार गिर जाते हैं, तो वो हमें सब नहीं करना है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कई लोग कैसे करते हैं। तो ये जो आपने देखा ये सब नहीं करना है हमें, तो हम उसको अच्छे से करने के लिए जो लोग नए हैं, जो लोग नए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है स्क्वाट्स करने का। तो गाइस, जो हम आपको बताने वाले हैं कि उन लोगों को किस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि वो अच्छे से अपना बैलेंस बनाएँ और वो कर पाएँ, स्क्वाट्स कर पाएँ, तो हमें दो ऐसे प्लेट्स लगा लेनी है, हमारा सेम जो डिस्टेंस था लेग्स का वैसे ही, और आप इस पर आइए। तो जो करना है वो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो एरिया है वो इसके ऊपर रखनी है और सेम पोजीशन में खड़ा हो जाना है।
ये जैसे अभी करके दिखाया इन्होंने, तो ये हमारी काफ़ी सहायता करता है इसमें, तो हमें इस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए और ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएँ।